अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं महम जहरा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक मोहम्मद अमीन और दूसरा मेघना रोहिड़ा, जो आपके सवालों के जवाब देंगे जो आपने हमसे कमेंट बॉक्स में और हमारे नंबर पे हमसे पूछे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेघना आपके लिए है कि आई कैन सी शेयर प्राइस ग्राफ ऑफ लास्ट 5 ईयर्स ऑन PSX डेटा पोर्टल, वेयर आई कैन सी अ शेयर वैल्यू ऑफ लास्ट 10 and 20 ईयर्स फॉर स्टडी। तो आप उनके जो वॉल्यूम है ना शेयर्स की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, उनकी वो जो हिस्टोरिकल डेटा होती है ना PSX पे, आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगी। या कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है प्रीवियस ईयर की, आप वो देखें तो वहाँ से आपको हिस्टोरिकल डेटा से मिल जाएगा। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन भी ये आपके लिए है कि वॉट इज योर इनपुट ऑन DCR एंड थाल। अच्छा, जो DCR कंपनी है वो रियल इस्टेट से ताल्लुक रखती है कंपनी, और जो कंपनी की अर्निंग्स हैं जो मैंने देखी है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, कंपनी का डेट बिल्कुल जीरो पे है और कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो भी अच्छी हैं और प्रीवियस ईयर से। तो मींस अगर मैं इस करंट ईयर की जो सेप्टेम्बर 2021 की अगर कंपेयर करूँ अर्निंग्स लास्ट ईयर के अर्निंग से, मींस सेप्टेम्बर 2020 के, तो इनकी अर्निंग 11.2% से इंक्रीज़ हुई है। और इनका डेट तो मींस अगर प्रीवियस ईयर में भी इनका कोई डेट नहीं है, मींस लास्ट 5 ईयर से इनका डेट है ही नहीं और वो 0% है, मींस इनको अपने जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको कवर करने के लिए या मींस डेट को कवर करने के लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो की ज़रूरत नहीं है। और कंपनी जो है अपना 98% का पे आउट रेशियो वो अपने जो ना जो इन्वेस्टर्स है उनको देती है, और कंपनी डिविडेंड भी अच्छा दे रही है विच इज़ 10.12%। तो इनका डिविडेंड भी अच्छा है, पे आउट रेशियो भी अच्छा है, कंपनी की जो अर्निंग्स है वो भी अच्छी है, कंपनी का डेट भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये कंपनी बहुत अच्छी है। सर, आपका क्या कहना है DCR और थाल के लिए कि ये मतलब इसमें बाइंग के लिए कैसा है, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट कैसी साबित हो सकती है? नहीं, देखो मार्केट के हिसाब से, एक तो मार्केट का जो ग्राफ होता है कि जहाँ मंदी होती है और जहाँ तेज़ी होती है, एक राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट होती है जिनका ग्राफ के बारे में आपको तो कंपनी के बारे में फंडामेंटल आपको बता दिया, मगर ये कि मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग का वक्त जब मार्केट डीप में जा रही होती है तो इस वक्त इन्वेस्टर को बहुत अच्छा मौका होता है कि यहाँ से आप बाइंग करें, और जब मार्केट बहुत ज़्यादा पिक पर होती है तो वहाँ से इन्वेस्टर को बिल्कुल एग्जिट होना चाहिए, एग्जिट होकर यहाँ से बिल्कुल साइड लाइन हो जाए तो ये इनका प्रॉफिट बनता है। बाकी DCR वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह के जो है शेयर वो भी ट्रेड होते हैं, मगर यहाँ हमारी मार्केट एक तमाम के तमाम सबका आप 600 कंपनियाँ देख लें तो एक साथ ही बढ़ती है और एक साथ ही गिरती है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा सेक्टर डिस्टर्ब भी होता है मगर अगर दूसरी कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस होती है, जैसे आप आज देख रहे हैं कि मार्केट डिस्टर्ब थी पूरी कुछ न्यूज़ वगैरह अच्छी नहीं थी, मगर ये कि TRG ने मार्केट में सपोर्ट किया था इसकी वजह से मार्केट भी बढ़ गई। तो यहाँ हमारे यहाँ तो एक भेड़ चाल की तरह चल रही है मार्केट के, अच्छे मौके पर सब अच्छी हो जाते हैं, बुरे मौके पर सब बुरे हो जाते हैं। या फंडामेंटल कि मैं इसमें आपको ये लोग जो मेघना ने आपको बताया, इसमें ये होता है कि आपको मतलब ये कि एक श्योरिटी मिल जाती है कि अच्छी कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसका मुझे रिटर्न भी मिलेगा। जब मार्केट अच्छी होती है, हालात अच्छे होते हैं तो इसमें म्यूचुअल फंड वाले फ़ौरन बाइंग पे आ जाते हैं अच्छी कंपनियों के। अच्छा मेघना, आप कुछ कह रही थी आपके बारे में तरफ। हाँ, मैं आपने पूछा था थाल लिमिटेड के बारे में भी, तो इस कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स में बताऊँ तो कंपनी की जो अर्निंग्स है इसकी भी अच्छी है, लेकिन इसकी जो डेट है, लेकिन इसका थोड़ा डेट है और वो डेट भी मींस वेल कवर्ड है बाय ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इनकी जो इंटरेस्ट पेमेंट हो जाती है वो EBIT से कवर हो जाती है। तो ओवरऑल जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है, और कंपनी का जो डेट है वो भी मींस मिनिमम है, इतना हाई नहीं है कि मींस उसको कवर ना कर सके, और इनकी अर्निंग्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और मींस ये इनके जो प्रोडक्ट है वो भी मींस उनकी मार्केट में भी डिमांड है। थल के बारे में कह रहे हैं, थल वो बनाता है, जूट बनाता है, वो जो AC की जो मतलब पैकिंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, और इसका मैंने एक फिज़िकल तौर भी अपना इनका मैंने सेटअप देखा, बहुत बड़ा सेटअप है इनका और काफ़ी मतलब पुरानी कंपनी है, और ये मतलब 5 रुपीज़ इनकी बुक वैल्यू थी, अब एक ज़्यादा हो गई है, और इनका रिटर्न वगैरह भी बहुत अच्छा है। और रिसेंटली मार्केट के अंदर इस थल के बारे में एक रूमर चल रही होती है कि इनके शेयर काफ़ी चीप प्राइस में मिल रहे हैं, यहाँ पर बाइंग करें, और क्योंकि लास्ट टाइम इसका 550-600 के करीब रेट था, अब तो कम हो गया, मगर ये कि इसमें एक जब मार्केट की रैली बनेगी तो इसमें बहुत अच्छा चांस मिलेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि व्हाट आर द न्यूज एंड फाइनेंशियल प्रिडिक्शन ऑफ PABC। उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ शेयर्स बाय किए थे, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, उसे होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? मेघना आप बताएं।
पीएवीसी वो मींस एल्युमिनियम के जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो बनाती है, तो कंपनी की जो मैंने फंडामेंटल्स देखी हैं तो इनकी अर्निंग भी सही सही है, उनका जो डेट है वो मींस प्रीवियस ईयर से वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो कंपनी की जो फिलहाल मैंने फंडामेंटल्स कुछ देखे हैं कि उनकी अर्निंग्स और डेट वो मींस सही सही है और वो मींस डिक्रीज होती जा रही है, जैसे कि इनकी डेट वगैरह भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो फर्दर अगर सर आप बताएं, ये कैन सी कंपनी है, पीआईबी वो इसमें जब ये पीएवीसी इसमें जब इनका जब आईपीओ आया था तो आईपीओ में 51 से के करीब कुछ इनके शेयर आए थे और उस वक्त ये जो इनकी जो अर्निंग थी उस हिसाब से उसके जो मतलब शेयर के प्राइस अच्छे थे और थोड़ा उस वक्त मार्केट भी बहुत अच्छी थी। बदनसीब से इसके बाद अफगानिस्तान की जो वार शुरू हो गई, क्योंकि इनका 30% जो इनकी सेल आउट है अफगानिस्तान के अंदर है, तो इसकी वजह से डिस्टर्ब हुई और ये शेयर मार्केट में ना आते हैं, क्योंकि इनका जो फॉरेनर जो पार्टनर था वो उसने अपने शेयर वगैरह सेल किया, इसमें इसकी वजह से वो इसका आईपीओ आया, वरना इसको आईपीओ नहीं आता। ये ऑलरेडी रनिंग बिजनेस थी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी, मगर कुछ एक अफगानिस्तान की हालात के हिसाब से मतलब जो एक्सपोर्ट पे थोड़ा डिफेक्ट आया और इसके अलावा जो कम्युनिटी के जो रेट बढ़ गए आयरन वगैरह के स्टील वगैरह के और इनके थोड़ा कॉस्ट हैवी हो गई। अब ये कि ये एक सीज़न वाइज बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, अब ये कि इनके चीज़ें लेवल पे आ रही है तो ये कंपनी भी आगे जाके परफॉर्म बहुत अच्छी करेगी। ज़्यादातर इनके जो शेयर है वो लोकल लोगों के पास नहीं है, म्यूचुअल फंड वगैरह पास इनके पास है, तो ये अपने शेयर को फौरन यहाँ से फौरन अपना नया रेट लेके आएंगे, क्योंकि उनके पास अपने फंड को अपने आप को बचाना भी होता है और दूसरे के हालात के हिसाब से चलो नीचे आपको मिल रहे थे वो इन्वेस्टर को बहुत अच्छा मौका था, मगर वो ज़्यादा अर्सा मौका नहीं रहेगा, ये शेयर अपनी दोबारा अपनी परफॉर्मेंस पे आ जाएंगे। तो अभी उनको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? हाँ बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, इनकी कंपनी की एक्सपोर्ट वगैरह भी बहुत अच्छी हो रही है, एक सर्दी का सीज़न होता है वहाँ कैनवर की डिमांड कम हो जाती है और आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के हालात भी अच्छे हो गए हैं, अब पहले तो वार हो रही थी और कुछ एक्सपोर्ट वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा था, अब वो नहीं हुआ, अब ये सब चीज़ें सही चल रही है तो ये सब इनके रेट भी आ जाएंगे और इनका बिज़नेस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा सर, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो स्पेशली आपके लिए है, वो ये है कि मिस्टर अब्बास सर ने पूछा है कि ये कैसे पॉसिबल है, आपने लास्ट वीडियो में मुझे जो है वो टेलीकार्ड के बारे में मुझे बताया था कि वो 5G लॉन्च कर रहा है, टेलीकार्ड पूछा है कि ये कैसे पॉसिबल है कि जो कंपनियां अपने एयरफोन्स के डिटेलिंग भी सही से नहीं कर पाती वो 5G कैसे लॉन्च कर सकती है। टेलीकार्ड तो अपना एक सुपर नेट नया ला रही है, इसकी आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन देख ले, नई इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि लास्ट टाइम वो जो टेलीकार्ड का इतना बिजनेस नहीं था, अपने TFC वगैरह में वो पेमेंट कर रही थी, अब वो जो इनका जो TFC वगैरह जो क्लाइंट होगी वो पेमेंट कर चुकी है, उससे भी फारिग हो चुकी है और नई इन्वेस्टमेंट कर रही है और आपने इसका बोनस भी देखा और हो सकता है कि आगे जाके इस पर नया IPO भी आ जाए या मजीद और बोनस आ जाए, इसमें सरमाकारी हो रही है और ये सुपर नेट का जो हो रहा है 5G मेरे से मुँह से गलती से निकल गया था, हाँ मगर ये कि सुपर नेट का तो इसकी आप इसी कंपनी भी साइड देख लें कि इनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है और इस पर वर्किंग हो रही है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि अभी मार्केट की क्या क्लोजिंग हुई है और कल आपको मार्केट कैसी नजर आ रही है? मार्केट के क्लोजिंग जो फ्राइडे को 25 करोड़ के ऊपर काम हुआ था वॉल्यूम का, आज 23 करोड़ 84 लाख का काम हुआ और मार्केट के अंदर तकरीबन 439 पॉइंट के करीब तेज़ी हुई। मार्केट ने जब मार्केट खुली थी बिल्कुल डल थी और इंडेक्स बढ़ रहा था, बाद में मार्केट के अंदर उस वक्त मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा था और मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ गया और दूसरी कि जो TRG की न्यूज़ आई थी कि उनकी जो रीपर्चेस करेगी कंपनी वो वेनसडे से करेगी, जैसे आज ऊपर का लोग लगा तो कल हो सकता है कल भी ऊपर का लोग लगे, क्योंकि इनकी बाइंग होगी परसों, तो दो दिन में यहाँ से इन्वेस्टर इस तरह के इनको रेट ऊपर कर देंगे ताकि कंपनी को महंगे शेयर मिले। और दूसरी बात ये कि जब कंपनी रीपर्चेस करती है तो कुछ ना कुछ इसमें अच्छी चीज़ होती है, तो ये रीपर्चेस करती है तो यहाँ से जो इन्वेस्टर है और उन लोगों ने अपने होल्ड किया हुआ शेयर को और ज़्यादा सेल में नहीं आ रहे, बाइंग की तरफ आ रहे हो, अपनी जो होल्डिंग को होल्ड रखा हुआ है, अगर TRG का सपोर्ट आ जाता है, दूसरी की जो फंडामेंटल न्यूज़ थी जो स्टेट बैंक की थी जो सुबह को मैंने बताया था कि वो कमर्शियल बैंक को कह रहे हैं कि अपने पास कैश फ्लो को ज़्यादा रखें और ज़्यादा एक्टिविटी ना करें और डॉलर के ऊपर जो पाबंदी लगाई कि कोई बंदा जो साल में $1,00,000 के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकता और जो भी डॉलर वगैरह परचेस करेगा वो अपना NIC देगा और तालीम के लिए $70,000 साल के लिए मखसूस किए गए और बीमारी वगैरह के लिए $50,000 साल के लिए मखसूस किए गए, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसलिए कि डॉलर को भी कंट्रोल होगा और दूसरे के और
इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ जाते हैं तो मार्केट की परफॉर्मेंस और क्लोजिंग भी बहुत अच्छी आएगी और मार्केट परफॉर्मेंस भी करना शुरू कर देगी, क्योंकि आने वाले साल के अंदर भी एक फ्रंटर मार्केट की बाइंग खरी हुई है और डॉलर स्टेबल भी, आज देखें डॉलर भी अनचेंज हुआ और कम्योडिटी मार्केट के रेट भी गिरे, तो इससे हमारे रुपये को काफ़ी सपोर्ट मिलता है और ताकि हमारे जो ज़रा मोबाइल के ज़खायर है वो इसमें इफेक्ट नहीं आएगा, वो कम ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब वो एक सतह पे रुक जाएंगे। मतलब आपके सारे पॉइंट्स के मुताबिक ये सारे पॉइंट्स मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। अभी जो जितनी भी न्यूज़ है मार्केट के लिए बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी आ गया। अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम आता है तो ये समझ लें कि जो लोग साइड लाइन हो गए तो वो मार्केट के अंदर एक्टिव हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं, आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।